म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद को देवानंद से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, देवानंद हिंदू थे और एक मुस्लिम लड़की एक्ट्रेस सुरैया से इश्क फरमा रहे थे और शादी करना चाहते थे। नौशाद को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, वो चाहते थे कि सुरैया इस हिंदू देवानंद से नहीं बल्कि अपने से 18 साल बड़े एक मुस्लिम फिल्म डायरेक्टर से शादी करें जिसके ऑलरेडी बच्चे थे। वो मुस्लिम फिल्म डायरेक्टर कौन थे जिससे नौशाद साहब सुरैया की शादी करवाना चाहते थे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। नौशाद साहब सुरैया जी को अपनी बच्ची की तरह मानते थे, तो कैसे अलाउ करते नौशाद साहब अपनी बच्ची की शादी एक हिंदू देवानंद से करवाना। बच्ची इसलिए मानते थे सुरैया को क्योंकि 13 साल की उम्र में एक्ट्रेस सुरैया को नौशाद साहब ने एक बड़ा ब्रेक दिया था अपनी फिल्म शारदा में, जिसके डायरेक्टर थे अब्दुल राशिद करदार, जिनके साथ एक तस्वीर है नौशाद साहब की भी और 13 साल की सुरैया की भी। जब देवानंद और सुरैया के लव अफेयर की खबर फैली तो देवानंद के खिलाफ एक गैंग तैयार हुआ। गैंग की सरगना, गैंग की लीडर थी सुरैया की नानी बादशाह बेगम। सपोर्टिंग कास्ट में थे हमारे नौशाद साहब, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अब्दुल राशिद करदार, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और एक फिल्म डायरेक्टर मोहम्मद सादिक। यहां जरूरी है कि मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं। ये साहब हैं मोहम्मद सादिक, जो कि फेमस थे इंडस्ट्री में एम सादिक के नाम से। इन्होंने सुरैया जी की एक बड़ी फेमस फिल्म जो 1948 में रिलीज हुई थी काजल, उसमें सुरैया जी को डायरेक्ट किया था। एम सादिक इस देवानंद सुरैया लव स्टोरी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये साहब सुरैया से 18 साल बड़े थे, शादीशुदा थे, बाल बच्चेदार थे, लेकिन खूबसूरत सुरैया से शादी करने के अरमान देखते थे और इस सपने को सपोर्ट करती थी सुरैया की नानी बादशाह बेगम और हमारे सपोर्टिंग कास्ट के मेंबर्स यानी नौशाद साहब और अब्दुल राशिद करदार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नौशाद साहब को एम सादिक से क्यों इतना प्यार था, क्योंकि नौशाद साहब नहीं चाहते थे सुरैया एक हिंदू लड़के से शादी करे। और दूसरी बात ये कि एम सादिक उस फिल्म के डायरेक्टर थे जो नौशाद साहब की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू फिल्म कही जाती है। उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे अब्दुल राशिद करदार और उस फिल्म का नाम था रतन। ये जो फिल्म रतन का गैंग था, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद, प्रोड्यूसर अब्दुल राशिद करदार, डायरेक्टर एम सादिक, इन्होंने सुरैया के मामा जहूर के साथ मिलकर अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरैया की नानी बादशाह बेगम सुरैया जी पर इतना प्रेशर डाला कि सुरैया जी ने देवानंद साहब के साथ जो अपनी रिलेशनशिप थी वो तोड़ दी। इस प्रेम कहानी में सुरैया के अलावा दो और लोग थे जो बड़े बेबस थे, सुरैया की मां मुमताज बेगम और उनके फादर, जो ये चाहते थे कि सुरैया की शादी देवानंद से हो जाए और वो खुश रहे। लेकिन एंटी हिंदू एंटी देवानंद गैंग भारी पड़ गया और ये दोनों भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इतने सीरियस इल्जाम मैं किस बेसिस पे लगा रहा हूं? क्या मैं एंटी मुस्लिम हूं? क्या मैं एंटी नौशाद हूं? क्या मेरा इसमें कोई बड़ा एजेंडा है? मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझसे प्रूफ मांगना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस बात का जो भी मैंने कहा है आपसे, इसका आपको मैं प्रूफ दे देता हूं। हाँ तो भाई, ये है प्रूफ, नौशाद नामा, द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ नौशाद। ये किताब
नौशाद साहब की बायोग्राफी है जिसे लिखा था इंडिया के सबसे फेमस फिल्म जर्नलिस्ट राजू भारतन साहब ने। इस किताब में कई फेमस लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यूज हैं अबाउट नौशाद साहब, इंक्लूडिंग नौशाद साहब का अपना इंटरव्यू। और इस किताब में सुरैया की मदर मुमताज बेगम का ऑफिशियल स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि नौशाद साहब ने एक स्ट्रॉन्ग एंटी हिंदू स्टैंड लिया था और इस एंटी हिंदू स्टैंड की वजह से उन्होंने देवानंद और सुरैया की शादी नहीं होने दी। मैं चाहता हूं कि आप इस प्यारी किताब को जरूर पढ़ें ताकि आपको नौशाद साहब के बारे में और जानकारी मिले। इस किताब से बड़ा प्रूफ मैं तो क्या इस दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं दे सकता। क्या आयरनी है, क्या विडंबना है कि नौशाद साहब जिन्होंने बैजू बावरा के इतने सुंदर सुंदर भजन बनाए हैं वो अपनी निजी जिंदगी में अपने पर्सनल थॉट प्रोसेस में मजहब या धर्म को अलग नहीं कर पाए। मैं इस किताब को पढ़ के शॉक भी हुआ और एक सिनेमा लवर एज अ म्यूजिक लवर मैं बहुत दुखी भी हुआ। मैं धर्म और मजहब से बड़ी चीज इंसानियत को मानता हूँ। मेरे पर्सनली जो दोस्त हैं वो हर मजहब से हैं, हर धर्म से हैं, और ऐसे ही एक इंसान थे देवानंद। उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट को मैंने अपनी आवाज़ भी दी थी और देवानंद की डेथ से पहले मैं उनसे मिला भी था। एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने किया था उनका, वहाँ मैंने सुरैया जी के बारे में भी बात की थी उनसे। आप इस इंटरव्यू को देख सकते हैं। टेक केयर।